20 दिसंबर से प्रारंभ बजरंग ग्रामीण प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट, आपको बता दें राजधानी लखनऊ के निगोहा के राती ग्राम पंचायत में हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ तृतीय बजरंग ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। 20 दिसंबर से क्रिकेट टूर्नामेंट का हो रहा भव्य आयोजन। फाइनल मैच 1 जनवरी को फाइनल में विजेता व उपविजेता को दी जाएगी ट्रॉफी व नगद पुरस्कार। बजरंग ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ में उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि मोहन लालगंज ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला बिंदीश्वरी द्वारा शुभ उद्घाटन कर बजरंग क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया शुभारंभ। बजरंग ग्रामीण टूर्नामेंट में पहली पारी निगोहा व कुर्री सुदौली के बीच खेली जा रही है। टूर्नामेंट के मुख्य प्रबंधक ग्राम प्रधान नवनीत कुमार व BDC राजेश कुमार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष कोई बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव कोई नहीं हुआ है, सेम होगा, लेकिन अब देखते हुए पहले जैसा व्यवस्था अच्छी की जाएगी वो है। ठीक ठीक, तो जो है दर्शकों से और यहाँ के प्रबंधक ग्राम प्रधान नवनीत सबके लिए क्या कहना चाहिए? हम नवनीत जी को यही कहेंगे, ये तीसरा टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट जब तक इनकी उम्र है, जिस भविष्य है इनका, जब तक ये कराते रहें और इनका जो भी सहयोग हुआ हमसे कहेंगे हम करते भी रहेंगे। इस टूर्नामेंट में आप पहली बार आए हैं? इस टूर्नामेंट में हम पहली बार आए हैं और ऐसे भी हम आते रहे हैं, उस समय दूसरी बात थी, इस समय हम लाख लोगों के बेस पे आए हैं, ऐसे मैं आता था दर्शक के रूप में आता था। अच्छा, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर दर्शक बहुत सारे आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं, जो दर्शक यहाँ आते हैं उनको भी हम ये कहेंगे कि वो अपने बच्चों को खेल के लिए उत्साहित करें, क्योंकि खेल ऐसा है कि आप जो बीमारियाँ होती हर चीज़ होती हैं वो इससे छुटकारा मिलता है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा गेम है कि उसके वजह से जो आजकल की बीमारियाँ चल रही हैं घुटने की, कमर की, ये सब चीज़ों की बीमारियां भी दूर होंगी और बच्चा जो खेलेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा, उसके अच्छा खेलेगा तो उसके माता पिता जी का भी नाम हर जगह लिया जाएगा। ग्राम प्रधान प्रबंधक जो है यहाँ के, ग्राम प्रधान भी है प्रबंधक हैं, तो ये क्या कहना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट का कुछ बढ़ावा होना चाहिए? नहीं, ये टूर्नामेंट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। पहले कम टीमें आती थी, कम आई, आज हम देख रहे हैं ज़्यादा टीमें हैं, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ये अपने आप ऊंचाइयों पर छू रहा है। क्षेत्र की जो ये टीम आती है खेलने यहाँ पर, उनको भी क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्साह देना चाहेंगे? हमको यही उत्साह देंगे कि ये बच्चे हैं, भविष्य की का भविष्य है बच्चों का, और ये अपना प्रतिदिन खेलें, इन बच्चों के लिए भी जो समस्याएँ हों हमसे कहेंगे, वो समस्याएँ पूर्ण करेंगे, और इनके लिए कनकहा पे आजाद ग्राउंड है, उसके अजीत यादव जी हैं, वहाँ फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या सर फाइनल जो होगा 1 तारीख को, क्या उसमें भी आप जो है आपका आगमन होगा? क्योंकि हम इसके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हम 31 दिसंबर को रात पे पूजा पे बैठ जाते हैं और सचंडी का कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, उसके समझिए हम ही पूजा करते हैं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पूजा पे हम होंगे तो कोई चीज़ झूठ हम आज तक बोले नहीं, ये हमारे क्षेत्र की हर जनता जानती है, सब चीज़ जानती है। आपके आने से दर्शकों का मानो बल बढ़ा है और जो है जो हमारे क्रिकेटर टीम आई है उनका भी मानो बल बढ़ा है, हो सकता है कि जो है फाइनल में भी आप आ सकें? फाइनल में नहीं आ सकते हैं तो, लेकिन बीच में हम जरूर आएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल ये चीज़ हम कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को हम पूजा पे बैठ जाते हैं, हम 9 दिन पूजा पे रहते हैं, ये पूरे क्षेत्र को मालूम है हमारे विषय में कि 31 दिसंबर को प्रमुख जी पूजा पे बैठ जाते हैं, और आज से नहीं, हमारा ये अबाउट 25 साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है लगातार, अभी तक टूटा नहीं, और बची प्रधान जी से हमारी वार्ता होती रहेगी, जो भी समस्याएं होंगी वो दूर की जाएंगी, और इसको ब्लॉक के द्वारा भी हम लोग सोचेंगे इसको और उज्जवल किया जाए, जो खेल मैदान भी बढ़िया बनाया जाए। जी, मैदान के लिए हमारी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ का कुछ जो है अगर कुछ सहयोग या कोई ऐसा चीज़ हो जाए जिससे मैदान ग्राउंड के लिए जो सहयोग हो जाए। अब इसके लिए यही किया जा सकता है, इसके चारों तरफ वो वॉलिंग की जा सकती है, लेकिन ये जब किया जा सकता है ये खेल मैदान पे दर्ज, इसके लिए हम लोग देखेंगे, खेल मैदान में दर्ज होगा तो उस हिसाब से हम लोग से करेंगे, नहीं होगा तो मिट्टी की चारों तरफ बाउंड्री वॉल करा दी जाए।
की कोशिश की जाएगी, धीरे धीरे ये मैदान अच्छा हो जाएगा।